नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। एसएमसी एवं एसडीएमसी प्रशिक्षण का प्रधानाचार्य ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। जी हां, रामगढ़ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ के सभागार में दो दिवसीय एसएमसी एवं एसडीएमसी प्रशिक्षण का शुभारंभ प्रधानाचार्य रमेश पालीवाल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किया गया। ये दो दिवसीय प्रशिक्षण गैर आवासीय प्रशिक्षण के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाजीपुर से आए हुए संदर्भ व्यक्ति श्रवण कुमार चौधरी ने एसएमसी व एसडीएमसी के गठन की प्रक्रिया और सदस्य के क्षेत्राधिकार की जानकारी दी। प्रशिक्षण में प्रभारी अधिकारी राजेंद्र कुमार ने एसडीएमसी के कार्य क्षेत्र पर विस्तार से प्रकाश डाला। शिक्षण में दीपक शर्मा, गोविंद जाटव, मामराज रूको व सुमन मुकेश शर्मा, राम बाबू शर्मा सहित अनेक अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम का मंच संचालन व्याख्याता सुरेश नागपाल ने किया। आज हमारे विद्यालय में एसएमसी और एसडीएमसी का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे विद्यालय की के एसडीएमसी और एसएमसी के सदस्यों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यह विभागीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत सारे जितने भी एसडीएमसी के सदस्य हैं और एसएमसी के सदस्य हैं, उन्हें उनके दायित्वों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें यह समझाया जाएगा कि वो विद्यालय विकास में किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं, विद्यालय की सारी गतिविधियों में वो अपना किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं और विद्यालय के वातावरण को, शैक्षिक वातावरण को और अन्य गतिविधियाँ जो विद्यालय में संचालित होती हैं, उनको किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चे को केवल अक्षर ज्ञान देना नहीं है, आज के ज़माने में उसका सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसके लिए एसडीएमसी के सदस्यों को प्रशिक्षित किया।